तो करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में जेईई लोक सेवा आयोग समेत कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को बुधवार को पुलिस ने जबरन उठा लिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवा। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में दूसरे दिन भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। युवाओं का कहना है कि राज्य के अंदर अब किसी भी परीक्षा में कोई विश्वास नहीं रह गया है, हर परीक्षा का पेपर दूसरे दिन लीक हो जा रहा है, युवाओं का भरोसा सरकार से उठ गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पार्क में कल भी जो छात्र थे उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था और उन्होंने मुझे उस संबंध में ज्ञापन भी दिया था। जो परीक्षा में धांधली हो रही उसको लेकर उनकी कुछ मांगे थी और आज भी यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन पार्क मंडल द्वारा किया जा रहा है। सभी तरीके से सारे व्यवस्था बनी हुई है, कहीं भी किसी अप्रिय स्थिति की घटना नहीं है, कोई भी सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। देखिए, ये सरकार ने जो लाठी चलाई है वो युवाओं पे नहीं, अपनी किस्मत पे चलाई है। एक तरफ तो आप भर्ती घोटाले रोक नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ युवा अपना अधिकार मांगने आ रहा है, अपना हक मांगने आ रहा है, तो आप उसे लाठी डंडे मार के भगाना चाह रहे हैं। ये 21वीं सदी का युवा है, ये अपना हक छीन कर लेना जानता है, ये गांधी जी के देश का युवा है, ये भगत सिंह के देश का युवा है, ये अपनी लड़ाई लड़ेगा और मांगेगा। क्या युवा गलत क्या मांग रहा है? वो यही तो चाह रहा है कि सीबीआई की जाँच हो। सीबीआई की जाँच क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके चंद को सफेद पोज उसमें फंस जाएंगे।